यार शीट, हमारे ऐसे अपॉर्चुनिटी निकल गई यार। इतना सुनहरा मौका था, क्या ही बताना गाइज आपको। अमीर भाई औरंगाबाद में आए थे गाइज, औरंगाबाद में अमीर भाई आए थे। देख रहे हो गाइज, इस रास्ते से सीधा गए हो। भाई मेरे मामा लोग यहाँ पे चालान काट रहे हैं। भाई साहब देख रहे हो, सो हेलो गाइज, वन सेकेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड गाइज कैसे हो आप लोग, आप सब बड़े होंगे और बड़े रहना पूरा फुल पावर तबाही के साथ गाइज। एंड गाइज अभी जस्ट निकल चुके हैं हम घर से, अभी रोड से व्लॉग शुरू किया है हमने। एंड गाइज अभी दो बज चुके हैं, दोपहर के दो बज चुके हैं। गाइज आप सोच रहे होंगे कि हमारी बाइक किधर गई, मैंने दोबारा एचएफ डिलक्स लाया। एचएफ डिलक्स आपको तो पता है किसकी, फ्रेंड की लाया करता हूँ मैं। एंड गाइज ये एचएफ डिलक्स जो है ना एकदम अच्छी है यार, चलने के बारे में भी टेंशन नहीं है। बट गाइज हमारी बाइक घर वालों ने आज लेकर गए, इसलिए गाइज हम आज एचएफ डिलक्स पर राइड कर रहे हैं, क्योंकि गाइज आज का डे बहुत इंपॉर्टेंट था यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्या ही बताना गाइज आपको। गाइज आपने औरंगाबाद में अमीर माजिद भाई आए थे, अमीर भाई को तो पहचानते हो गए आप। भाई क्या कर रहा है, अभी आगे जाकर पीछे जा रहा है, कैसा इंसान है यार। गाइज आपको तो बताया मैंने, अपने औरंगाबाद में अमीर भाई आए थे यार, अपॉर्चुनिटी अच्छी थी अपने लिए, हमने मीटअप करे थे उनके साथ में। बट गाइज वो जब निकल रहे थे अपने औरंगाबाद से, उस होटल से, तब मुझे पता चला मेरे फ्रेंड लोग ने कॉल किया, अमीर भाई यहाँ पर आए अपने औरंगाबाद में। गाइज सच बता रहा है यार, बहुत बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा, मतलब अमीर भाई इधर आए और निकल चुके हैं यार, क्या ही बताना। एक बार मिल जाते ना भाई साहब, अगर मिल जाते तो मजा आ जाता, बट क्या ही बताना यार, निकल चुके हो। मैं कुछ कर नहीं सकता था ना, भी नहीं कर सकता था ना, बट कोई ना यार, खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम मिल लेंगे। मिलना तो जरूर है यार, बहुत सारे यूट्यूबर से मिलना है, बट उसके लिए थोड़ा टाइम है। जब हमारा टाइम आ जाएगा ना मिलने का, तो हम मिल लेंगे। अभी तो ट्रैफिक लगने वाली है भाई। अरे भाई साहब फोर व्हीलर में सफरचंद बिखारे, अभी तो ट्रैफिक दिख रही नहीं है, बट आगे तो ट्रैफिक 100% होती है। बट कोई ना यार, अपने औरंगाबाद में हमेशा का ही है, हमेशा हमेशा का होता है, मतलब ट्रैफिक 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 कभी कम नहीं हो सकती। भाई ये क्या देख रहा हूँ मैं, इधर ट्रैफिक नहीं है, क्या बात है भाई। गाइज आज का मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है, और देख रहे हो ट्रैफिक भी नहीं है, कुछ भी ट्रैफिक नहीं भाई, थोड़ी नॉर्मल है, बट आगे ना भाई भाड़ मचने वाली है। इस रोड पर राइड करना बहुत मजा आता है यार, देख रहे हो ना कितना सुपर रोड है, एक ही नंबर है यार। ऐसा अगर रोड रहा ना हमेशा के लिए, टेंशन ही नहीं है, और बाइक भी कुछ खराब नहीं हो सकती है अपनी, मतलब सर्विसिंग को भी नहीं आएंगे ना, इतना सुपर रोड है। तो अभी भी दिल में ऐसी गुदगुदी हो रही है, अगर मैं मिल जाता ना आज, क्या यार क्या ही बताना गाइज, अगर सच्चे में अगर मैं मिल जाता ना, मजा आ जाता यार, और अपने सब्सक्राइबर को भी मजा आ जाता। खैर छोड़ो गाइज, हमारी किस्मत में नहीं था मीटअप के लिए, मतलब मिलने के लिए, इतनी जल्दी भी मीटअप करना अच्छी बात नहीं है। सो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे भाई। गाइज अभी तो कुछ हॉस्पिटल में काम था, और फिर बाद में मेडिकल वगैरह वो सारा काम है, कुछ मतलब मेरा नहीं है, किसी और का है, बट मुझे करना जरूरी हो। सो चलो चलते हैं, अभी तो जल्दी जाना पड़ेगा। एंड गाइज आगे तो भीड़ लगने वाली, ट्रैफिक बहुत रहने वाली है, ये तो सबको पता है, और आप हमेशा ही देखते हैं ट्रैफिक बहुत रहती है। भाई रिक्शा में से कैसे हंस रहे हैं, नीचे मुंडी डालकर देख रहे हो, हंस रहे थे, मतलब कि देख रहे हो ना गाइज रिएक्शन। भाई अभी ऐसा जो रास्ता है ना, ये तो चले जाने वाला है आगे, और भीड़ आएंगी और खराब रास्ता आएगा, क्या ही बताना यार। गाइज यहाँ पे सिग्नल खुलना चाहिए यार, अगर सिग्नल बंद हो गया है ना तो फिर वाट लग जाएंगी हमारी, क्योंकि गाइज यहाँ पे मामा लोग बहुत खड़े होते है, और देख रहे हो ना अभी तो, अबे भाई साहब क्या मस्त है यार, मजा आ जाएगा आज, देख रहे हो सिग्नल भी खुल चुका है। गाइज आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, क्योंकि गाइज ये देख रहे हो ना एम्बुलेंस, लास्ट टाइम वीडियो में देखाऊंगा आपने यहाँ पे फंस चुकी थी, ये जो रास्ता जा रहा है ना ये राइट साइड में बीच रास्ता, ये जो कार जा रही है इधर, भाई साहब पूरे 10-15 मिनट रुकी थी यहाँ पे, इतनी ट्रैफिक थी भाई, इसमें कुछ बदलाव लाना चाहिए इस रास्ते में। वैसा अगर इधर की ट्रैफिक की बात की जाए ना गाइज, आपको तो पता है हमेशा आप देखते हैं इधर ट्रैफिक कैसी होती है, क्योंकि गाइज इधर पब्लिक सिटी ज्यादा हो चुकी है। एंड गाइज इधर जो खेड़े वगैरह जो नजदीक के गाँव होते हैं ना, ऑल शॉपिंग के लिए आते हैं, देख रहे हो ना गाइज इतना लंबा सिग्नल है, मतलब यहाँ से निकलने के लिए हमें 15-20 मिनट तो यूँ डालना पड़ेगी, क्योंकि यार इतना लंबा सिग्नल, इतनी ट्रैफिक ना, समझ रहे हो ना गाइज। सो चलो चलते, अभी तो निकल चुके हैं उस सिग्नल से। एंड गाइज आगे और सिग्नल आ चुका है, अभी तो और एक सिग्नल बड़ा बाकी है। ट्रैफिक 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 भाई, ट्रैफिक बोलते हैं इसको। यहाँ से थोड़ा आगे तक मतलब इतना अच्छा व्यू लगता है ना, देख रहे हो, चेक दिस आउट गाइज, देख रहे हो ना कितना मस्त व्यू लगता है, मतलब यार कुछ और ही बात है यहाँ से आगे। और यहाँ पे ना थोड़ा ठंडा लगता है, क्योंकि झाड़ वगैरह होते हैं ना, इसलिए एकदम ठंडा लगता है। एंड गाइज आपको एक बात बताऊँ, अमीर भाई जब आए थे ना कल, तो इस रास्ते से गए थे, सीधा गए थे, सीधा इस रास्ते से गए थे। भाई साहब क्या ही बताना यार, इस रास्ते से गए थे, मतलब कितना नज़दीक यार, मतलब अपने अपने गांव से
तकरीबन 20 किलोमीटर रही, हम नीचे से जा रहे और ऊपर से गई थी वो, देख रहे हो ना ऊपर से। चलो कोई बात नहीं, इस बात को यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे, एकदम स्टॉप करेंगे, क्योंकि गाइस बहुत सारी बात हो चुकी है। आमिर भाई ने अगर वीडियो देखा तो वो भी बताएंगे कि भाई पूरे वीडियो में आमिर भाई लगा रखा है इन्हें। गाइस हम इस मेडिकल पे रुके थे, देख रहे हो ना ऑल कंट्री की नोट है भाई यहाँ पे, ऑल कंट्री की नोट से। सोचा मैंने कि मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, देख रहे हो ना गाइस, ये अपनी इंडिया की पहली है। सो चलो गाइस चलो निकलते हैं, अभी तो मेरा काम हो चुका है इधर का। एंड गाइस इधर ट्रैफिक से थोड़ा गुजरना पड़ेगा हमें, धीरे धीरे से लेना पड़ेगी बाइक, वरना बहुत प्रॉब्लम होती है। इस रास्ते पर रिक्शा बहुत हो चुकी है यार, अपने औरंगाबाद में इतने सारे रिक्शा हो चुकी है ना, गली गली में भी रिक्शा खड़ी रहती है अपने औरंगाबाद में, मतलब इतनी सारी रिक्शा हो चुकी है भाई, रिक्शा का डिमांड बहुत ही चालू है अभी फिलहाल के लिए। हमें यार जल्दी से ये रास्ता क्रॉस करना है ये ट्रैफिक से ना, अबे भाई धीरे से यार। फाइनली हम हमारे अच्छे रास्ते पर लगने वाले, देख रहे हो ना गाइज। एंड गाइज आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने, यहाँ पे एम्बुलेंस रुकी थी 10 मिनट, ये रास्ता है भाई, इसमें कुछ चेंजेस लाना चाहिए। मैं भी इधर से ही जा रहा हूँ, बट इधर से उड़ान पुल कुछ बनाना चाहिए। चेक दिस आउट गाइस, व्यू कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताना। एंड गाइस इधर जो 4-5 बज जाते हैं ना शाम के टाइम, भाई मजा आ जाता है इधर, इतना मस्त व्यू लगता है ना, नॉर्मल सी धूप रहती है। यहाँ पर और सिग्नल आ चुका है, देख रहे हो, ये हमारा सबसे बड़ा लास्ट सिग्नल था, और आगे एक टर्न पे रहेगा, मतलब वहां से आगे एक भी सिग्नल नहीं रहेगा। फिर इस रास्ते पे एक कैरेक्टर, एक खासियत, एक अच्छी बात है, यहाँ पर अगर कितने भी ट्रैफिक रहे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उतना बड़ा रोड ही है, कितना बड़ा रोड है देख रहे हो ना गाइस। अभी हम लग चुके हैं घर की ओर, घर की ओर के रास्ते पर निकल चुके हैं हम। एंड गाइस देख रहे हो, चेक दिस आउट गाइस, व्यू कैसा लग रहा है। अभी तो जल्दी जाना पड़ेगा भाई, बहुत टाइम हो चुका है, इधर ट्रैफिक से ज्यादा टाइम होता है यार, दूसरा कुछ नहीं। फिर और एक बात गाइस, अभी कुछ टाइम से ना, कुछ दिनों के बाद, इतने भी दिन नहीं बट कुछ दिनों के बाद फॉर्ड वाले व्लॉग आने वाले, फॉर्ड वाले, क्योंकि गाइस यहाँ से आगे हमें चैनल पर अच्छा ध्यान देना है और डेली ध्यान देना है। बाइक की बात की जाए तो बाइक सिर्फ आज के लिए लिया था, घर वालों ने कहीं तो जाना था तो इसलिए उन्होंने लेकर गया है। सो कोई बात नहीं गाइज, वीडियो यार अच्छा प्यार देना गाइज, वीडियो को आपने सपोर्ट करना, वीडियो में अच्छे बने रहना हमेशा के लिए, क्योंकि गाइज अभी के लिए बहुत जरूरत है यार, मुझे बहुत जरूरत है आपकी, बहुत जरूरत है, क्योंकि गाइज आपने अगर सपोर्ट किया है ना तो आपका भाई आगे कुछ ना कुछ करेगा, और आपका भाई कुछ टाइम से जलवा दिखाने वाला है, खतरनाक जलवा, आप देखते रहना गाइज, और अपने चैनल में बने रहना, बस वीडियो को अच्छे तरह से देखना, ताकि मुझे भी लगे कि मेरे भाई साहब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ये लास्ट और फाइनल सिग्नल था, देख रहे हो ना गाइज, भाई वेट वेट वेट, रुक जाएगी भाई, करना मेरा सब्सक्राइब करने वाले को आशीर्वाद मेरा। ओ भाई साहब क्या ही यार, क्या बात है, देखा गाइस क्या बताया, जाओ जल्दी सब्सक्राइब करो गाइस, जल्दी से जाओ, उनका आशीर्वाद है आपको। इधर मामा लोग खड़े देख रहे हो, चलो चलते हैं गाइस, थोड़ा ही दूरी बाकी है, 8-9 किलोमीटर बाकी है सिर्फ। देखा गाइस किन्नर खड़े थे वहाँ पे, मुझे रुकाया उसने और बोले पैसे दो, बोले मैंने दिया तो बोले मैं आपकी एक मदद कर लेती हूँ। मैंने बोला क्या, वो बोले आपको फेमस। मैं हैरान हो चुका भाई, फेमस कैसे करने वाली है, देख रहे हो ना। देखते हैं गाइस कौन कौन आशीर्वाद ले पाता है उनका, उनका पूरा आशीर्वाद रहेगा भाई, सब्सक्राइब कर लो गाइस। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना भाई, क्या कर रहा, अबे 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 क्या यार, कैसे इंसान रहते यार, देखना चाहिए ना इधर उधर, बहुत सारे यार इतने टाइम हो जाता ना मेरे पास, मेरे साथ में ऐसा मेरे समझ में नहीं आती है। सो गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर करना, और फुल पावरफुल तबाही में इस वीडियो को सपोर्ट करना, शेयर करना। एंड गाइज अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर देना, जाओ फटाफट से घंटी को ऑल कर देना।